हाय हेलो दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया हैं दोस्तों। आप देख सकते हो चानू बाइकर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों एनएस 125 गाड़ी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर चुका था कि भैया एनएस 125 के बारे में कुछ फीचर्स बताओ और गाड़ी के बारे में बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ला चुका हूँ एनएस 125। अगर आप वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ऐसी वीडियो हमारे चैनल के अंदर देखने के लिए मिलते रहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये है ग्रे कलर एनएस 125। इसके जो पहले बार हम बात करेंगे दोस्तों, सिंगल डिस्क गाड़ी है दोस्तों, डबल डिस्क नहीं, सिंगल डिस्क गाड़ी। आप देख सकते हो ये सिंगल डिस्क है दोस्तों। इसके डिस्क के ऊपर दोस्तों व्हाइट कलर में स्टिकर आ जाए दोस्तों। जब रनिंग के अंदर जाएगा ना, इसका आउटलुक एकदम मस्त आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो इसका मडगार जो है दोस्तों ग्रे ब्लैक कलर में जो स्टिकरिंग आ चुकी है दोस्तों, ये भी एकदम मस्त है। अब इसके हेडलाइट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो पुराने वाले में हेडलाइट था उससे बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। आप देख सकते हो इसके हेडलाइट को भी मैं चला के बता देता हूँ तुम। आप देख सकते हो दोस्तों इसकी गाड़ी का मतलब स्टार्ट करके बता ही देता हूँ। इसके हेडलाइट आप देख सकते हो दोस्तों एलईडी में जिस तरह आ चुका है। अब यह दोस्तों इसका जो नज़दीक और दूर का जो बात है दोस्तों, आप देख सकते हो यह है लॉन्ग और यह दोस्तों नज़दीक। जो पहले एनएस 125 गाड़ी के अंदर जो आता था दोस्तों, वो है यहाँ साइड के अंदर जो आता था दोस्तों पार्किंग लाइट। इसके अंदर आप देख सकते हो जेट टाइप के अंदर जो पार्किंग लाइट दे चुका है। अगर दोस्तों तुमको हेडलाइट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और इसका वाइजर और इंडिकेटर आप चेकिंग कर सकते हो दोस्तों एनएस 125 जो ओल्ड मॉडल के अंदर था। ओल्ड मॉडल मतलब 2022 या 2023 के देश के अंदर जो था दोस्तों, उससे काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों इसका जो मीटर के बारे में बात करेंगे ना दोस्तों, आप एक मरत आप चेक कर सकते हो। यह है दोस्तों इसका डिजिटल मीटर, आप देख सकते हो। यह है दोस्तों न्यूट्रल के अंदर। जब इसका साइड स्टैंड हम डालेंगे ना दोस्तों, इसके अंदर आप देखने में मिलता है साइड स्टैंड सिंबल जो है दोस्तों देखने के लिए मिलता है। जब मैं साइड स्टैंड को निकाल दूंगा ना दोस्तों, तो ये खत्म हो जाता है। अगर जब गाड़ी गियर के अंदर होगी, आप देख सकते हो दोस्तों मैं डालता हूँ पहले फर्स्ट गियर, उसके बाद में दोस्तों इसका साइड स्टैंड जो डालता हूँ, आप देख सकते हो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। जब गाड़ी गियर के अंदर रहेगी ना दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। जब गाड़ी का स्टैंड जैसे निकाल लेता हूँ दोस्तों, जब इसका सिंबल हट जाता है, जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है, इसको बहुत ध्यान रखें। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि भैया गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सब साइड स्टैंड पे रहती है गाड़ी। बहुत सारे लोग सेल्फ मारने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन सेल्फ नहीं होती है, इसलिए बता रहा हूँ कि साइड स्टैंड पे जब भी रहती है दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद मैं और कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंजन चेकिंग लाइट है दोस्तों, जब तुमको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है लाइट पड़ रही है दोस्तों, ये है इंजन चेकिंग लाइट हो या तुम्हारी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी दोस्तों ये तुम्हारी गाड़ी के अंदर कंटिन्यू शो करेगा। जब तुम्हारी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, जब गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हो स्टार्ट कर चुका हूँ, उसके बाद में लाइट जब चली जाएगी ना दोस्तों, तुम्हारी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको ध्यान रखें। इसके अंदर आपको टाइमिंग भी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, और कितने गियर डालने हैं दोस्तों वो भी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, और न्यूट्रल लाइट और जिसका हेडलाइट का जो है दोस्तों, अब देख सकते हो लॉन्ग और डिप भी देखने के लिए मिल जाता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर चार्जिंग रखने के लिए भी मिलता है। आप देख सकते हो दोस्तों यह है चार्जिंग, मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये चार्जर जो है दोस्तों, जब तुम्हारी गाड़ी चालू रहेगी, जब भी तुम्हारे चार्जिंग में रहेगा दोस्तों, वो काम करेगा। आपको दोस्तों इस गाड़ी के अंदर 5 गियर देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, और इसका जो पिकअप है दोस्तों एकदम बढ़िया। आप देख सकते हो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है दोस्तों। ब्लूटूथ को किस तरह कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों। इसके अंदर ना अगर तुमको फोन आ जाएगा ना दोस्तों, इसका बटन को आप देख सकते हो, यहाँ से ऑटोमेटिक तुमको कॉल को रिसीव कर सकते हो। तुमको ब्लूटूथ का ऑप्शन दो है दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ये है ब्लूटूथ कनेक्टेड का ऑप्शन दोस्तों। अगर तुमको कोई रनिंग में कहीं भी जाते हो सफर में, तो तुमको मोबाइल निकालने कोई जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। एक मरतब इस बटन को ऑन करेंगे ना तो तुम ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉल लिफ्ट हो जाएगा। पुरानी गाड़ी के अंदर जो एनएस है दोस्तों, उसके अंदर तुमको एक्स्ट्रा फिटिंग देखने के लिए नहीं मिलती दोस्तों। इसके अंदर एक्स्ट्रा फिटिंग देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हो लेडी स्टैंड है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो संसार है साइड स्टैंड का, आप देख सकते हो दोस्तों ये है इसका साइड स्टैंड संसार। इसको ध्यान रखें दोस्तों, गाड़ी कभी भी कहीं भी टक्कर लग जाता है, पत्थर से कुछ डैमेज होता है, जब एक टूट जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर बगैर स्टैंड के भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, उसको ध्यान में रखें। और दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे जो सिंगल शॉक है दोस्तों, और गाड़ी की पिकअप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो पहले एनएस 125 थी उससे बेहतरीन पिकअप इस गाड़ी का है दोस्तों। और इसका जो टायर के बारे में बात करेंगे ना दोस्तों, ये MRF टायर बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसका जो देखेंगे ना दोस्तों, इसका नंबर है दोस्तों 120 AT 17 जो इसका टायर का नंबर है दोस्तों। इसका चेन पैकेट भी आप देख सकते हो, बहुत हेवी चेन पैकेट इसका दे चुका है दोस्तों। और दोस्तों इसको जो बगैर चिक्कड़ पड़े के लिए दोस्तों, दो मडगार इसको सेफ्टी में आ चुका है दोस्तों। और इसका तुम आप पीछे से देख सकते हो इंडिकेटर और नंबर प्लेट वाला क्लैंप कितना बेहतरीन है। जो पुराना वाले एनएस के अंदर इतना क्वालिटी नहीं था जितना इसके अंदर क्वालिटी है। और तुमको बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट रहता है कि दोस्तों गाड़ी लेने के बाद कितना स्पीड में और कितना लिमिट में जाना चाहिए और ऑयल चेंज कितने टाइम में बदलाना चाहिए, ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। दोस्तों जब गाड़ी शोरूम से खरीदते हैं ना दोस्तों, तुमको जाना पड़ता है 60 से या 70 के अंदर गाड़ी को तुम फर्स्ट सर्विसिंग तक
चलाना पड़ता है, इसलिए कि ओवर स्पीड जाने से दोस्तों जो तुम्हारा नवी इंजन है वो ख़राब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों तुम पहले सर्विसिंग कराएंगे ना दोस्तों 750 किलोमीटर पर तुमको पहले सर्विसिंग कराना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो इंश्योरेंस के बारे में और गाड़ी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो इसका इंश्योरेंस आता है 5 साल तक इस गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है दोस्तों, और इसका जो दोस्तों इंजन का जो इंश्योरेंस है, इंजन का वारंटी है दोस्तों 5 साल तक रहती है। किस तरह रहती है दोस्तों, अगर इंजन क्रैंक हेड या बोर ख़राब हो जाता है दोस्तों जब भी तुम्हारी गाड़ी के अंदर ये 5 साल के अंदर ये शोरूम में जाओ तो इसको रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर तुम लोकल मैकेनिक से काम कराएंगे ना दोस्तों, अगर तुमको ये वारंटी कभी नहीं मिलेगी, इसको ध्यान से सोचना। अगर कहीं भी तुम दो सर्विसिंग शोरूम से करा लिया कम के बाद में बाहर लोकल मैकेनिक से काम कराएंगे ना दोस्तों, ये वारंटी कभी तुमको नहीं मिलेगी, इसको माइंड में ध्यान से रखना। तुमको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ऐसी वीडियो हमारे चैनल के अंदर देखने के लिए मिलते रहते हैं, और कौन सी गाड़ी का वीडियो तुमको चाहिए दोस्तों हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर भेजना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।